तो भाई लोग सुपर गॉड जिन के जितने भी चैप्टर आए थे मैंने उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब धीरे धीरे एपिसोड आया करेगा, जैसे ही चैप्टर आया करेगा मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में मैग जून वीर से बोलता है, भाई क्या तुम इस डेविल सोल और इस मास्क को बेचना चाहते हो? कोई भी कीमत मांग सकते हो। वीर बोलता है कि मुझे पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हारे पास दूसरे प्लेनेट की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है तो फिर हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनकर मई बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, दूसरे प्लेनेट की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल पहले प्लेनेट की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल से बहुत ज्यादा कीमती होती है। वीर सिल्वर वुल्फ की बॉडी उठाते हुए बोलता है कि फिर रहने दो मैं जा रहा हूँ। पीछे से मई चिल्ला के बोलते है कि हेलो हमारी बात तो सुन लो। मई मिंग जून से बोलती है क्या हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? मिंग जून बोलता है कि वो बंदा इतना भी सिंपल नहीं है, वो जो स्वॉर्ड की टेक्निक यूज कर रहा था वो डबल स्वॉर्ड मैन की है और उससे कोई भी यूं ही प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो जरूर ही मार्शल हॉल का कोई जरूरी बंदा होगा। मिंग जून वीर के पीछे से चिल्ला के बोलता है कि भाई तुम कहां पे जा रहे हो, क्या हम साथ में चल सकते हैं? इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम कॉपर माउंटेन का सीन देखते हैं जहां पर वो सभी लोग साथ में जा रहे होते हैं। मिंग जून वीर से बोलता है कि हमारे लोगों ने उस सीक्रेट ब्लड कछुए को इस घाटी की गहराइयों में देखा था। वीर बोलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर तुम लोग मुझे रास्ता नहीं बताते तो मुझे नहीं पता कि मैं उस एलियन को कब खोज पाता। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिसे देखकर मई बोलते है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वीर बोलता है कि ये कौन है। फिर टाइगर वाला बंदा बोलता है कि मिंग जून तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम उस सीक्रेट ब्लड कछुए में इंटरेस्टेड हो? मिंग जून बोलता है कि नहीं नहीं हमारे ग्लोरी शेल्टर को पिछली बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इसलिए हम में हिम्मत नहीं है। टाइगर वाला बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वैसे भी तुमसे पंगा नहीं लेना चाहता। टाइगर वाला बंदा वीर की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसे देखा देखा सा लगता है, क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये सीक्रेट ब्लड कछुए के लिए है? मिंग जून बोलता है कि हाँ बस ये एक बार देखना चाहता है। वीर मिंग जून से बोलता है कि मुझे यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो गंजा वीर को जाते हुए देखकर बोलता है कि इसके लिए यही बेहतर होगा कि ये सिर्फ उसे देखने के लिए जा रहा है, वरना तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम उस कछुए को देखते हैं जो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि अच्छा ये है वो कछुआ। फिर हम देखते हैं कि वो कछुआ झाड़ियों के पास में जाकर लाल फल खाने लगता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि आखिर ये लाल फल क्या है, क्या वो कछुआ समुंदर से निकल के इस लाल फल को खाने के लिए आया है? लेकिन तभी वीर के पीछे वो गंजा आ जाता है। वो वीर से बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो या जीना चाहते हो? वीर उससे बोलता है कि तुम मुझे कैसे मारोगे, अगर मैं जीना चाहता हूँ तुम क्या कर लोगे? गंजा बोलता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। आगे से वीर हंसने लगता है और उनसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि स्पेशल बंदों के साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहिए? तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इन लोगों की फाइट के बीच में वो कछुआ वापस जाने लगता है। वीर बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कौन किसको मारता है। गंजा बोलता है कि बच्चे तुम मौत को दावत दे रहे हो। वीर अपना स्पेयर निकाल के उन लोगों पे अटैक कर देता है और बोलता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गंजा वीर की पावर को देखकर डर जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि जल्दी से वापस चलो, हम में से किसी को जिंदा रहना होगा और वापस जाके ये सब कुछ बताना होगा। लेकिन तभी वीर अपना स्पेयर स्पिन करते हुए उस गंजे के सिर के आर पार निकाल देता है और उसका सिर अलग कर देता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वीर उस कछुए का पीछा कर रहा होता है और वीर मन में सोचता है कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, अब मुझे यहां पर कोई नहीं देखेगा, अब मैं इस पे अटैक कर सकता हूं। वीर उस कछुए को देखकर बोलता है कि वो गोल्डन बेबी लाइन जब पैदा हुआ था वो उतना स्ट्रांग था और ये कछुआ तो बहुत बड़ा है, मुझे इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वीर अपना आर्मर पहन के अपनी होली स्वॉर्ड के ऊपर डेविल स्वॉर्ड की डेविल सोल को बुला लेता है जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वीर अपनी रेड फ्लेम की सीक्रेट प्लस डेविल सोल बुला लेता है और नियंती मंत्रा की प्रैक्टिस शुरू कर देता है जिसके बाद वीर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीर बोलता है कि पुराने कछुए अब तुम नहीं बचोगे। वीर अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर अपनी पूरी पावर के साथ में उस कछुए के ऊपर अटैक कर देता है और मन में सोचता है कि तुम जरूर एक सुपर एलियन होंगे, मैंने तुम्हारा इतने दिनों तक पीछा किया, मुझे निराश मत करना। लेकिन जैसे ही वीर अपने स्वॉर्ड से उस कछुए के ऊपर अटैक करता है वो कछुआ अपने मुंह से वीर की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि ये कछुआ इतना फास्ट कैसे हो सकता है, मैंने अपनी स्वॉर्ड में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और फिर हम देखते हैं कि वो कछुआ वीर की स्वॉर्ड को बीच में से तोड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड खा जाता है। इसे देखकर वीर हैरानी से बोलता है कि अब मुझे पक्का पता चल गया कि ये एक सुपर एलियन है। फिर वो कछुआ जोर से चिल्लाता और वीर का पीछा करने लग जाता है। वीर इसके आगे आगे भाग रहा होता है, वो बोलता है कि साला वो कौन सा बंदा है जो कहता है कि कछुए बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। वीर अपने पंख बुला के आसमान में फ्लाई करने लगता है और कछुए से बोलता है कि अरे भाई मेरा पीछा मत कर। इसके बाद वीर घबराते हुए बोलता है कि आज मैं यहाँ पर मरने ही वाला था। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम वीर को देखते हैं जो ग्लैडिएटर को देख रहा होता है और मन में सोचने लगता है मेरे पास कोई भी सुपर आर्मर डेविल सोल नहीं है और सुपर एलियन के अटैक से बचने के लिए मेरे पास स्पीड भी नहीं है और सुपर एलियन को चोट पहुंचाने के लिए मेरे पास पावर भी नहीं है, मैं जिन एलियन को मारना चाहता हूँ उनको मारने का कोई भी चांस नहीं है। और फिर वो ग्लैडिएटर में
में देखते हैं क्वीन ने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है, वीर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। वीर क्वीन के बारे में सोचते हुए बोलता है कि वो सुपर एलियन कॉपर माउंटेन में ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, इसलिए मुझे बहुत ही कम टाइम में अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, इसलिए मुझे बहुत सारी टेक्निक सीखनी होगी। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।